हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके सामने एक छोटा सा सवाल लेकर आए हैं और यह सवाल व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है। ये सवाल पूछा गया है रवि रंजन के द्वारा, जो बिहार के हैं। पता नहीं मेरा नंबर इनके पास कैसे पहुंच गया। महीना में 4-5 बार कॉल कर लेते हैं और कोई कोई टॉपिक देते हैं। खैर, उससे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो वो व्हाट्सएप में एक सवाल पूछे हैं और ये सवाल शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही मज़ेदार सवाल है, लेकिन हाँ, कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है। हम यहाँ पर डायरेक्ट स्क्रीनशॉट इसीलिए लेकर आए हैं ताकि कोई टीचर समझे ना कि मेरा वीडियो कॉपी किया जा रहा है, ओके। और ये बिहार के हैं और ये कमेंट भी करेंगे, शायद मुझे उम्मीद है कि ये कमेंट भी करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो में। देखिए, ये सवाल है, सवाल ये है, लिखा गया है कि 40 पैसा गुना 25 पैसा बराबर कितना रुपया होगा सर, प्लीज बताइए। तो मैंने ओके बोला, फिर बोल दिया वो थैंक्स सर, राइट, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहां पर सवाल क्या है, 40 पैसा को गुना किससे करना है। 40 पैसे को गुना करना है किससे, 25 पैसे से। तो हमको बताना है कि कितना रुपया आएगा। ये सवाल है और ये कन्फ्यूजन करने वाला सवाल है, ठीक है। आज आपको अंत तक समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक चीज़ आपको समझना है इस वीडियो में। आखिर ये सवाल इस तरह से पूछा गया है, देखने से ही लगता है कि भाई 40 पैसा गुना 25 पैसा कितना रुपया होगा। आम बात है, किसी किसी को आम बात लग रहा होगा, कोई व्यक्ति कह दे रहे होंगे डायरेक्ट, भाई ये मीनिंगलेस है, ये हो ही नहीं सकता। बहुत तरह के सवाल उठते हैं, हर चीज़ को मैं इस वीडियो में जिक्र करूंगा, चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए, 40 पैसा को गुना करना है 25 पैसा से, तो कितना रुपया आएगा ये है बताना, ठीक है। देखिए, एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, एक मीटर को गुना करना है 3 मीटर से, तो कितना आएगा, 3 मीटर का स्क्वायर आएगा, कितना, 3 मीटर का स्क्वायर। अब ये जो यहाँ पर मीटर स्क्वायर जो आया है, ये क्षेत्रफल का इकाई है, एरिया का इकाई है। क्षेत्रफल क्या है, एक प्रकार का क्वांटिटी है, राशि है कि नहीं, उसी का इकाई है। अब इसका मीनिंग है, अगर हम कहेंगे कि भाई 3 मीटर स्क्वायर एरिया में आपको गड्ढा खोदना है, तो फिर आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर 1 मीटर चौड़ा 3 मीटर लंबा कोई गड्ढा खोदना है, मतलब कि वो क्वांटिटी है, राशि है, तो उसका कोई मीनिंग भी होगा, है कि नहीं, कोई भी चीज़ है। या फिर हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर × 15 सेंटीमीटर, अब ये दोनों को जब गुना करेंगे तो 15 दहाइयाँ हो जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्षेत्रफल का क्या है, इकाई है, ठीक है। तो इसका भी मीनिंग निकलेगा 100% है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, किसमें, सेंटीमीटर में। अगर इसको कहा जाएगा कि मीटर में बदलिए, किसमें, मीटर में, यहां पर नहीं बोला जा रहा है कि मीटर स्क्वायर में बदलिए, बोला जा रहा है मीटर में बदलिए, तो ये तो पॉसिबल कभी नहीं होगा, ओके। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको हम मीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं, किलोमीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं, डेसीमीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं, माइक्रोमीटर स्क्वायर में बदल सकते हैं। लेकिन यदि कोई कहे कि भाई मीटर में बदलिए या डेसीमीटर में बदलिए या माइक्रोमीटर में बदलिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है, ये अलग क्वांटिटी है, हम अंदाजी कैसे बदल देंगे। ये क्षेत्रफल का क्वांटिटी है, अगर इसको मीटर में बदल देंगे तो चीज़ लंबाई में ना आ जाएगा, तो फिर क्षेत्रफल तो गायब हो जाएगा, नहीं समाया। अरे भाई 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब कोई एरिया है, वहाँ पर कोई एरिया है, और इसको हम डायरेक्ट अगर मीटर में बदल दें, मीटर में या तो सेंटीमीटर में या तो किलोमीटर में, तो केवल लंबाई आएगा। अब जब लंबाई आएगा तो वहाँ क्षेत्रफल का बात ही नहीं उठता है, तो ये चीज़ तो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा, खत्म कहानी हो जाएगा, यानी जो क्षेत्रफल था वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि जो चीज़ स्क्वायर में है, ठीक है, उसको हम डायरेक्ट स्क्वायर को हटा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, 40 पैसा को गुना 25 पैसा से करना है, 40 पैसा को गुना किससे करना है, 25 पैसे से करना है, तो 25 चौक हो जाएगा 100 और 10 और बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा क्या, पैसे का स्क्वायर। पैसे का स्क्वायर कैसे हुआ, 40 को गुना 25 से किए तो 1000 आया, अब पैसे को गुना पैसे से करेंगे तो पैसे का स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई पैसे का स्क्वायर ये किसका यूनिट है, कौन से क्वांटिटी का या किस राशि का यूनिट है। देखिए, एक्चुअली हम इस चीज़ का अगर मीनिंग जाने तो ये मीनिंगलेस है, बिल्कुल ये एकदम मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। अगर हम पैसा को गुना पैसा से करेंगे, अगर पैसा स्क्वायर आता है तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है, राशि नहीं है, कि हम उस राशि का जो यूनिट है पैसा स्क्वायर के द्वारा दर्शाते हैं,
लेकिन यदि सवाल में पूछा गया है कि भाई 40 पैसा को गुना 25 पैसा से करना है, तो मैथमेटिक्स तो एकदम सिंपली गुना कर देगा उसको। वो मीनिंगलेस निकले या मीनिंग वाला निकले उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए अब गुना अगर हम कर दिए, हालांकि तो हम बता दिए आपको ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ठीक है। अगर हम मीटर को गुना मीटर से करते हैं, मीटर स्क्वायर आता है, क्षेत्रफल आता है। अब क्षेत्रफल मीनिंग वाला चीज़ है। या फिर अगर यहाँ पर हम मान के चलिए लिए 5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और ले लिए फिर 2 मीटर, फिर कितना आ जाएगा, 5 × 2 = 10 m³ आएगा, 10 m³ आएगा। ये भी मीनिंगफुल है, 10 m³। 5 मीटर स्क्वायर है, कोई एरिया है, ठीक है, और उसके गहराई से हम गुना कर दिए तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। मीटर क्यूब किसका इकाई है, वॉल्यूम का, आयतन का, तो ये मीनिंगफुल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर चलिए, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, पैसा को गुना पैसा से करेंगे तो कोई ऐसा क्वांटिटी नहीं है। लेकिन यदि गुना करने के लिए कहा जा रहा है तो गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इसको कहा जाएगा कि भाई इसको रुपया में बदलें तो ये असंभव है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, बदला ही नहीं जा सकता रुपया में। ये हो सकता है रुपया स्क्वायर में बदल सकता है, रुपया स्क्वायर में, लेकिन रुपया में नहीं बदल सकता है। हम पहले आपको एग्जांपल दे चुके हैं कि अगर कोई क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का इकाई मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसको हम लंबाई में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते अंदाजी, है कि नहीं। वही चीज़ यहाँ पर है। तो अगर 100 1000 पैसा का स्क्वायर है तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा कर, ठीक है, हम व्हाइट से ही लिखते हैं, रुपया में बदल सकते हैं, रुपया स्क्वायर में, रुपया में नहीं, रुपया स्क्वायर में। तो रुपया स्क्वायर में बदलने के लिए देखिए एक सिंपल तरीका हम आपको बताते हैं क्या है। 1000 है तो 1000 लिखिए, ठीक है। अब गुना में लिख दीजिए 1 पैसे का स्क्वायर या तो फिर 1 पैसा का स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। ऊपर वाला चीज को हम इस तरह से लिख दिए, क्या लिखे, 1000 × 1 पैसा का स्क्वायर, क्योंकि 1 का करेंगे स्क्वायर तो 1 आएगा, पैसा का करेंगे स्क्वायर तो पैसे का स्क्वायर आएगा, है कि नहीं। अब 1000 तो यानी अलग से है, गुना करेंगे तो यही चीज आएगा, ठीक है। अब देखिए हम पहले से जानते हैं कि भाई 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है। चलिए कहाँ बता दें इसको, 1 रुपया में कितना होता है, 100 पैसा होता है या पैसे होता है, ठीक है। अब पैसे के जगह पर हमको रुपया लाना है, तो रुपया लाने के लिए हमको क्या करना होगा, पैसे के जगह पर, 1 पैसे के जगह पर हमको रुपया लाने के लिए ये जो 100 आपको इधर दिख रहा है इसको इधर ले आइए। 100 जो है 1 पैसा के साथ गुना में है। अब 100 को इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा 100 रुपया, बराबर में हो जाएगा पैसा, या तो फिर उसको हम 1 पैसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। नहीं समझ आया, अरे भाई 100 पैसा को हम लिख सकते हैं 1 × 100 या फिर 100 × 1 पैसा। अब यहाँ पर 1 पैसा को छोड़ दिए और जो 100 इधर गुना में था इधर डिवाइड में आ गया तो 1/100 रुपया हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर 1 पैसा लिखा रहेगा वहाँ पर हम 1/100 रुपया लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चलिए 1000 × 1 पैसा के जगह पर क्या लिख देंगे, 1/100 रुपया लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रुपया, ये चीज़ रुपया में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इसका 1 पैसा का स्क्वायर था तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, 1000 गुना, अब 1/2 कितना हो जाएगा, 100 का करेंगे स्क्वायर तो हो जाएगा कितना, 10000। इसीलिए आपको कोई टीचर बताए होंगे या फिर ये बताया जाता है कि अगर भाई पैसे का स्क्वायर है उसको बदलना है रुपया में या फिर रुपया स्क्वायर में तो 10000 से डायरेक्ट भाग दे दीजिए, ठीक है। तो कैसे हम 10000 से भाग दिए ये तो आपको पता चल ही गया होगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर किए तो 1 आया, 100 का स्क्वायर किए तो कितना आया, 10000 आया। अब रुपया का भी स्क्वायर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये चीज़ रुपया का स्क्वायर आ जाएगा, है कि नहीं। चलिए इसको काटिए, 1000 और यहाँ से 3 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 1/10, इतना रुपया का स्क्वायर बचेगा। अब 1/10 रुपया का स्क्वायर का मतलब हुआ 0.1 रुपया का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कोई कोई टीचर आपको ये बता दिए होंगे कि भाई इस चीज़ को यदि आपको रुपया में बदलना है तो इसमें रूट लगा दीजिए, रुपया में बदल जाएगा। अच्छा आप ये बताइए हमको, इसको हम रूट यहाँ पर क्यों लगाएं, क्या वजह है, रूट हम क्यों लगाएंगे, जब हम ये प्रक्रिया से बराबर करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आ गए अंत में, हम रूट अंदाजी कैसे लगा देंगे, अंदाजी नहीं लगा सकते हैं, ये कभी हो ही नहीं सकता है। अगर किसी का एरिया आया है मान के चलिए 10 m², कितना आया है, 16 m² मान लीजिए, एरिया है 16 m², अब क्या इसमें हम रूट लगा देंगे अंदाजी, अगर रूट लगा देंगे अंदाजी तो कितना आ जाएगा, 4 m आ जाएगा। अरे भाई ये तो गजब हो गया, एरिया था, कोई एरिया होगा वो लंबाई में चेंज हो गया, ऐसा नहीं करना है।
ऐसा नहीं करना है, रूट हम इसमें नहीं लगा सकते हैं। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, मैं कॉन्फिडेंसली कह रहा हूँ, ठीक है। आपको नोट कर लेना है यहाँ पर हम रूट कैसे क्यों लगाएंगे। हाँ, हम पहले बता चुके हैं कि पैसा स्क्वायर है तो उसको हम रुपया स्क्वायर में बदल सकते हैं, ये निश्चित है। डॉलर स्क्वायर में बदल सकते हैं, डॉलर में, यूरो में बदल सकते हैं, येन में बदल सकते हैं, मतलब स्क्वायर में। लेकिन हम डायरेक्ट यूनिट में हम नहीं बदल सकते, रुपया में या फिर डॉलर में, इस तरह से नहीं बदल सकते, राइट। चलिए, ये चीज़ तो आपको कन्फर्म हो गया होगा कि भाई 40 पैसा को गुना अगर हम 25 पैसा से करेंगे तो ये रुपया में चेंज कभी नहीं हो सकता है। हालांकि तो ये चीज़ तो मीनिंगलेस है, लेकिन इसको मीनिंगफुल बनाकर मैथमेटिक्स के माध्यम से अगर हम आगे जाते हैं तो भी वो रुपया में चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मीनिंगलेस होता है। सपोज कीजिए एक रूम है, एक क्लासरूम है, और उसमें 10 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज़ और 5 गर्ल्स हैं। अगर हम 10 बॉयज़ को गुना कर देंगे 5 गर्ल्स से तो कितना आ जाएगा, 10 × 5 = 50, और यहाँ आ जाएगा बी जी। अब यहाँ बॉयज गर्ल दोनों गुना हो गया, संख्या को संख्या से गुना किए, बी को गुना जी से किए, बी जी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़, ये किसका क्वांटिटी है, समझ में नहीं आ रहा है, ये किसी चीज़ को दर्शा ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा कि भाई 10 लड़का था, 5 लड़की थी, अब वो दोनों को गुना कर दिए तो क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसा कुछ होता है क्या, कोई राशि है ऐसा, अगर होगा तो फिर हमें बताइए आप कमेंट के माध्यम से, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसका मीनिंग निकलता ही नहीं है, लेकिन मैथमेटिक्स में ये जरूरी नहीं कि उसका मीनिंग निकले तभी हम उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। मान के चलिए इसका मीनिंग नहीं निकल रहा है फिर भी सोल्यूशन किए, लेकिन वो चीज़ रुपया में कन्वर्ट कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल तो हम देखकर बता ही दिए हैं कि किसी का एरिया 16 मीटर स्क्वायर है, उसमें हम डायरेक्ट हम रूट लगा करके क्या 4 मीटर लगा देंगे, 4 मीटर आंसर लाएंगे, नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस सवाल में कितना दम था, छोटा सा सवाल था, लेकिन बताने में इसलिए हम इतना देर किए क्योंकि बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूजन इस सवाल को लेकर था। बहुत सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी आपको कन्वर्सन के ऊपर, कन्वर्सन के ऊपर मैं एक विस्तार पूर्वक एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको सारा चीज़ बताया जाएगा कि भाई कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग लगाया जाता है, कैसे हम कौन कौन संख्या को जोड़ सकते हैं, सजातीय चीज़ को जोड़ा जाता है हमेशा, ठीक है। सजातीय मतलब एक ही तरह के जो होंगे टर्म, ठीक है, उन्हीं को जोड़ा जाएगा। 10 पैसा है तो 10 पैसा के साथ ही जुड़ सकता है, 10 पैसा है और इधर 10 रुपया है, दोनों को वैसे नहीं जोड़ देंगे, रुपया को पहले पैसा बदलना होगा तब जोड़ सकते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो सारा चीज़ हम कन्वर्सन का एक वीडियो जरूर लाएंगे, चिंता करने की बात नहीं, थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन हाँ बहुत ही नॉलेजिबल होगा। ये छोटा सा सवाल था, कन्फ्यूजन था, इसीलिए मैं इस वीडियो को बनाने का फैसला किया आज ही, ठीक है, क्योंकि आज ही ये सवाल पूछे हैं, हो सकता है कि ये कमेंट भी करके हमको बताएं कि बहुत अच्छा किए बताकर मुझे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।